फेक बातों को लिख के लोग पोस्ट कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूँ यति आपके साथ। देखिए, लोकसभा चुनाव आज अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। सातवें चरण के तहत अगर बिहार की बात करें तो 8 लोकसभा सीटों पर आज सुबह से ही मतदान जारी है। लगातार लोग बढ़ चढ़कर इसमें अपनी भागीदारी ला रहे हैं, चाहे आम जनता हो या फिर नेता हो या फिर विधायक, हर कोई अपने मतदान का पूर्णतः इस्तेमाल करता नजर आ रहा है। देखिए, मैंने भी वोट डाला है और हम तो अपने दर्शकों से कहेंगे कि आप भी अपने मतदान का इस्तेमाल जरूर करें। महापर्व चल रहा है लोकतंत्र का और ऐसे में आप भी अपने भागीदारी लाए। लेकिन बता दें कि इन सबके बीच पवन सिंह से जुड़ी एक खबर सामने आई। दरअसल पवन सिंह का एक फेक आईडी बनाकर उस पर उपेंद्र कुशवाहा, जो कि उनके विपक्ष में खड़े हैं, एनडीए पार्टी से प्रत्याशी हैं, उनके लिए वोट डालने की अपील की गई है। जी हाँ, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वही तस्वीर है जो पवन सिंह का फेक अकाउंट बनाकर डाला गया था और इसमें यह कहा गया, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसमें यह लिखा गया है कि परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमने काराकाट क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा जी का समर्थन करने का फैसला लिया है। आप सब लोग इस फैसले का मान रखिएगा। तो देखिए, ये फेक अकाउंट था जिस पर पवन सिंह घिरते नजर आए। लगातार सोशल मीडिया पर ये आईडी वायरल हो रही है, इससे किया गया ये पोस्ट वायरल हो रहा है और अब इस पूरे मामले पर पवन सिंह के तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। पवन सिंह ने पत्रकारों से बातचीत की है और बातचीत के दौरान उन्होंने इस आईडी को गलत बताया। उन्होंने बताया कि ये फेक आईडी है, फ्रॉड आईडी है, किसी ने जानबूझकर बनाया और तमाम तरीके की बातें कही हैं पवन सिंह। पवन सिंह ने लोगों से वोट देने की अपील की, साथ ही उन्होंने ये कहा कि जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि आपके विपक्ष में उपेंद्र कुशवाहा हैं और महागठबंधन के भी प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में पवन सिंह का कहना था कि देखिए, हम सबका इज्जत करते हैं, सबका आदर करते हैं, सभी हमसे बड़े हैं और ऐसे में हम सबको सम्मान करते हैं। साथ ही बता दें कि अपने आईडी को लेकर भी तमाम तरीके की बातें पवन सिंह की तरफ से कही गई हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पवन सिंह, आइए आपको पहले वो सुनाते हैं। क्या मतदान प्रारंभ है? हम ही कहब कि अपन कीमती समय, अपन कीमती वोट जरूर करे के बाद और अपने भाई अपने बेटा के आप सब आशीर्वाद दीजा, हम ये कहब। आपके प्रतिद्वंदी उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह है, दोनों निर्दलीय पार्टी से हैं, आप निर्दल हैं, कितना आपको अस्वस्थ हैं? हमार यहाँ के का बा, हमसे जे भी बा वो सीनियर बा और मैं अपने से बड़ों का सम्मान करता हूँ। बाकी जितना भर भर के आशीर्वाद हमके मिल रहल बा, माई हमार मंदिर में बैठ के पूजा करत अड़ी जा कि बेटा हमार विजय हो, हमार बहिन मंदिर में बैठ के पूजा करत अड़ी जा कि भाई भाई हमार विजय हो, जनता के आशीर्वाद मिला था तो हम तो यही चाहेंगे ना कि काहे के इन्हें उन्हें जाता रह गया, तू आशीर्वाद दो हमके, आशीर्वाद सबके सगरे से चाहिए। कौन जी आपका फेक पोस्टर लगा के उपेंद्र जी के नाम से समर्थन का एक वायरल हो रहा है, कितनी सच्चाई? ये सब फेक आईडी है सर, फेक आईडी बना के फेक बातों को लिख के लोग पोस्ट कर रहे हैं। हम हाथ जोड़ के विनती करते नहीं कि आप सब उस पे ध्यान ना दिए जा, आप सब अपने बेटा भाई पहनवा के खाली आशीर्वाद दिए जा। नित्यानंद राय जी आए थे, उन्होंने कहा था कि हम जिस कलाकार की बात आप लोग कर रहे हैं वो तो यहाँ बाबू बिरकोर सिंह के राष्ट्रभक्ति का जो कार्यक्रम तो उसमें गाने से इनकार कर दिए थे और क्या राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे पवन जी आप? क्या आपने पूछा, हम उसको समझे नहीं सर। नित्यानंद राय जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आए यहाँ पर बोले कि बाबू बिरकोर सिंह को लेकर के एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम किया गया था पारा में और उसमें आपसे कोई गाने होने की बात थी तो आपने इनकार कर दिया, क्या आपके संज्ञान में है या फिर इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे ध्यान में नहीं है और मैं अपने जानते भर में नहीं चाहता हूँ कि कोई गलती मेरे से हो। बाकी के का आके वो केहू आके जातिवाद के बात कराता, केहू हऊ फैलावता, केहू आके अपील के रूप में इहो साधता लो कि हाँ फलाना के आशीर्वाद कहाँ,
तो मुझे इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी है, और जो आपने पूछा इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन अभी वो समय नहीं है। हम यही चाहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ हमको चारों तरफ से आशीर्वाद मिले। जी, जनता की लगता है आपको बस भीड़ आपके पीछे देखी जा रही है आज भी, मतलब जिगर आप निकल रहे हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है सर। जनता के आशीर्वाद जो लड़का पे होके, इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। ये मेरा सौभाग्य है। जय पवन तय पवन, ये बहुत चल रहा है, क्या लग रहा है पवन तय? अभी हम अपने मुँह ना कहब, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। देखिए क्या है, जनता ही भगवान है, जनता ही मेरे लिए सब कुछ है, जनता ही हमको गायक बनाए, नायक बनाए। ये जीवन की तीसरी पारी खेल रहा हूँ, जितना आशीर्वाद हमको मिल रहा है, मैं अपने जनता के आशीर्वाद के आगे निःशब्द हूँ। जीतने के बाद क्या कहेंगे सर, अगर आपकी रिजल्ट होती है तो क्या? 4 तारीख का क्या रिजल्ट? जीतने के बाद मुझे अपने परिवार के बीच में खड़ा रहना है, मुझे यहीं रहना है, और अकेले नहीं, हम सब मिल के अपना विकास करेंगे, हम सब मिल के अपना भविष्य सोचेंगे कि हम लोगों को क्या क्या करना है, कैसे करना है, जिससे काराकाट का नाम हो, चर्चा हो। आपका बॉडी लैंग्वेज पूरा दिख रहा है कि आप जीत के ओर हैं। आपका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि आप जीत के ओर हैं। <रिके बारे। laughs> ये सब आप सबका आशीर्वाद। सर एक चीज और, एक लास्ट चीज, अगर आप जीत कर जाते हैं तो क्या डालमिया नगर की जो अब तक जड़ी समस्या है फैक्ट्री खुलने की, क्या पवन सिंह उसका समाधान सर्वप्रथम करने का प्रयास करेंगे? मैंने बोला ना सर कि हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, हम सब एक परिवार हैं, हम सब मिल के अपना विकास तय करेंगे, हम सब मिल के अपना भविष्य सोचेंगे, और मेरे दिल में अरमान है, ये जो मैं जितना भ्रमण किया, जितना मैं घूमा काराकाट लोकसभा में, जितना हम घूमनी है, माई बहन से मिलनी है, भैया चाचा से मिलनी है, अपने नौजवान साथियों से मिला, जो देख रहा हूँ सूखा सूखा बंजर बंजर, तो मेरे दिल में अरमान है सर कि थोड़ा काराकाट लोकसभा में जिधर आँख घुमाइए उधर हरियाली दिखे। सर वोटरों से अपील कर, हम खाली ये कहब कि हमार भैया भाई चाचा चाची माता बहन, आप लोग घर से निकली जा, वोट करी जा, अपने भाई और बेटा के आशीर्वाद गीत के माध्यम से। तो सुना आपने पवन सिंह ने किस प्रकार से बताया इस आईडी को लेकर तमाम बातें उन्होंने पत्रकारों के सामने रखी है। देखिए लगातार सोशल मीडिया पर ये तस्वीर, ये आईडी वायरल हो रही है, और इस आईडी की अगर बात करें तो ये हूबहू पवन सिंह का जो रियल प्रोफाइल है उसी की तरह दिखता है। शायद यही कारण है कि लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लोग असमंजस में फंस गए होंगे। और बता दें कि पवन सिंह के तरफ से इस आईडी को लेकर अब पूरी तरीके से सिरे से खारिज कर दिया गया है। पवन सिंह ने बोला है कि ये उनकी आईडी नहीं है, जानबूझकर ये बनाई गई थी आईडी, और तमाम तरीके की बातें जो है वो कही गई है। साथ ही बता दें कि देखिए लोकसभा चुनाव अब अंतिम चरण में है, आज अंतिम चरण का मतदान होना है, 7वें चरण के तहत काराकाट में भी आज सुबह से वोटिंग हो रही है। ऐसे में देखिए एनडीए का यहाँ पर बोलबाला है, लगातार 3 बार से एनडीए ही यहाँ से जीतते आई है, और इस पूरे राजनीति माहौल में अब पवन सिंह भी अपनी दावेदारी रख चुके हैं, निर्दलीय उम्मीदवार है, और ऐसे में वो एक खास चेहरा भी है क्योंकि भोजपुरी जगत में उनका नाम है, उनका सिक्का बोलता है, और ऐसे में अब राजनीति में पवन सिंह आए हैं तो देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो उसमें काराकाट की जनता किसे अपना सांसद बनाती है। दर्श न्यूज पर फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहे दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।